क्राइम फ्री जालौन की ओर जनपद की पुलिस का एक और सराहनीय कदम। आज फिर से जालौन पुलिस को मिली दोहरी सफलता। पहली सफलता जनपद के कोठौन थाना प्रभारी निरीक्षक की टीम को मिली, जब उन्होंने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर लूट के मामले का अंतर जनपदी अपराधी गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। तो वहीं दूसरी सफलता जालौन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रमेश चंद्र की टीम को मिली, जब उनके तेज तर्रार उप निरीक्षक बलराम शर्मा ने एक शातिर बदमाश को 400 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी जालौन ने मीडिया में खुलासा किया है। महोदय, जनपद के कोठौन थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लूट की एक वारदात हुई थी, उससे संबंधित कुछ लोगों को तो पहले जेल भेज दिया गया था, आज फिर से कोई गिरफ्तारी हुई है, क्या है पूरा मामला और क्या विधिक कार्रवाई है? थाना कोठौन क्षेत्र में 9:10 की रात में एक ट्रक चालक से लूट का प्रयास किया गया था, जिसमें मौके से कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। कुछ अभियुक्त मौके से भाग गए थे। उसमें से एक वांछित चल रहे अभियुक्त को कोठौन पुलिस ने आज गिरफ्तार किया गया है। उसे मौके से उसके पास से नाजायज असलहे बरामद किए गए हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था पहले और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।